गीता में लिखा है कि जब जब अन्याय होता है उसे खत्म करने के लिए भगवान अवतार लेता है। वो गाते हैं, मैं बजाता हूँ। जय सिंह। इतनी आसानी से मार नहीं सकते उसे। वो कोई केले का पेड़ नहीं है, वो एक बरगद का पेड़ है। बरगद का चिल्ला मत। तलवार से कितनों की जान जाती है ये नहीं जानता। मेरी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मुझे सब कुछ बेस्ट चाहिए। अगर तुम अक्का बच्चा है तो मार इसे। पांच मिनट क्या, 5 घंटे नहाओ, नो प्रॉब्लम। तुम बाहर जाओ ना। मैं बाहर रहूं या अंदर रहूं, जिस काम के लिए आया था वो तो हो गया ना। काम मतलब? सर, मॉर्निंग में एक्स को पकड़ कर लाया था, वो सबको मार के भाग गया सर। पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो 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 उसे। एक केला मांगा था, दे दिया होता तो अच्छा होता, सारे केले लेकर चला गया। चोर है ना, चला गया, नहीं मिलेगा, अब घर जा भाई। ठीक है चलो, पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली मैंने। हेलो 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 हेलो, मेंटल हॉस्पिटल। एक्स है क्या? नहीं है, भाग गया। वैसे आप कौन है? वो भागा हुआ एक्स मैं ही हूँ। हाँ तो क्या मैं सच में भाग गया हूँ क्या? चाहिए क्या? ये ले। खत्म हो गया, आप जा।
भाई आपने हमें यहाँ क्यों बिठाया है भाई? अरे रोज बार में बैठ के बोर नहीं हो रहे क्या? हाँ भाई, इसीलिए कुछ वैरायटी करते हैं यार आज। हाँ भाई, अरे भाई आप तो बहुत समझदार हैं। समझदार नहीं होगा तो तुम सबको कैसे पालूंगा? हाँ भाई, हमेशा कुछ नया करते हो, आज भी करो ना भाई। हाँ भाई करो ना भाई। करते हैं क्या? करते हैं एक वैरायटी करो ना भाई। ठीक है करता हूँ, पहले एक बकरे को ढूंढो ना। ठीक है भाई। भाई मिल गया भाई, वो देखो। हाँ भाई, बकरा मिल गया भाई। वो हमको मिला है करेक्ट यार। हाँ भाई, हाँ भाई सही कह रहे हो। जाओ बुला करके लेके आओ। जाते हैं भाई। हाँ। अभी बुला कर लाते हैं भाई। ए, तुझे भाई बुला रहे हैं। खेलेगा क्या? हाँ खेलेंगे। अरे ऐसे प्यार से बुलाएंगे तो नहीं आएगा, उठाते हैं। क्या लोट चल। अरे आजा। ए, तेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? ए, भाई से नाम पूछता है, चुपचाप जवाब दे। खेले क्या? उठ उठ, तू खेलेगा और हम देखेंगे। खेल का नाम तू बताएगा या मैं बताऊं? ए, तब से देख रहा हूँ होशियारी दिखा रहा है भाई, जो बोलेंगे वही करना होगा। तुम सब खेलोगे, मैं देखूंगा देखूंगा। भाई इसने दिमाग खराब कर दिया, इसको एक सैंपल देना ही होगा। हाँ बिल्कुल भाई, भाई।, भाई दे दे क्या भाई? तो हाँ भाई दे दे यार। आज के दिन हम नया खेल खेलेंगे। इसे देख के नहीं लग रहा कि ये पागल है यार। हाँ भाई मुझे भी ये पागल ही लग रहा है। कब ये क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। हाँ भाई, इस आदमी से दोबारा कभी पंगा नहीं लेंगे। हाँ भाई, आज अगर हम जिंदा बच गए तो इससे कभी पंगा नहीं लेंगे। हाँ बे, इसे देख के लग रहा है कि ये किसी मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आया है। ये जो बोलेगा तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा भाई। ये सब अपनी किस्मत है यार। हाँ भाई, तो अब हम क्या करें? इस बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो कल से कोई अपनी बात नहीं मानेगा। ठीक है भाई। ठीक है भाई, हम किसी को नहीं बताएंगे भाई। ओहो, तुम अभी तक यहीं पर हो तो फिर हम अभी क्या करें? भागने को कहो ना भाई। बोला बोला बोला, तुम ऐसे ही भागोगे। देखो वहां पे उस पेड़ के पास जाकर वापस आना होगा, जो पहले आएगा। ए, वापस मत आना, जिंदा रहेंगे तभी जी पाएंगे हम। ठीक है भाई। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? घर भेज देते हैं भाई। अच्छा 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 अच्छा, घर नहीं भगवान के पास भेजते हैं। जाओगे क्या भगवान के पास? जाओगे क्या? खत्म हो गया भाई, अब भागने को भी बोलो ना। भागो बे। भाग क्यों रहे हो? खेलते हैं, रुको। तुम मत जाओ, भगवान के पास मैं भेजूंगा, मैं भेजूंगा। चल कम से कम तुझे ही भगवान के पास भेजता हूँ, कम से कम तू मेरी बात मान ले।
अरे क्या चाहिए तुम्हें? मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? मुझे इस पेड़ से क्यों बांध दिया? मुझे बताओ ना। हेलो भाई, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा भाई। हाँ भाई, अब बस 5 मिनट का ही समय लगेगा, सच कह रहा हूँ भाई। फोन मेरे ससुर को दो। ससुर जी, तुम्हारी जायदाद के लिए मैंने तुम्हारी बेटी से शादी की है, जायदाद मेरे नाम कर दे नहीं तो बेटी को मार दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरी बेटी को कुछ मत करना। बहुत लाड प्यार से पाल के उसे बड़ा किया है, आप जहाँ कहोगे वहाँ दस्तखत कर दूंगा। काम हो गया, चलो रे। तुम, अरे मुझे ये सजा मिलनी ही थी, मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो। Huh.
क्यों दिमाग खराब कर रहा है, चल जाना। अरे जाना यहाँ से, दिमाग खराब कर रहा है, चल जा। यहाँ से पागल चले आते हैं। बहुत दिन बाद अपने शहर में आया हूं। जॉब मिलने के बाद पहली बार आ रहा हूं यहां। आज जो मेरी हैसियत है उसी की वजह से है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है। अरे ये तो भगत है। हे भगत, रुक यार। हे भगत, अरे मैं हूँ यार, मैं हूँ। हे भगत, सीनू हूँ यार। हे मैं हूँ यार। हे, क्या हुआ तुझे? भगत, हे भगत। भगत, तैयार होकर कहां जा रहा है भाई? इंटरव्यू के लिए। भाई तू तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। मैं तो कॉन्फिडेंट हूं,
इंटरव्यू लेने वाला होना चाहिए। तुझे जॉब नहीं मिलेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा तो कोई भी जॉब मिल जाएगी। सच्चाई की राह पे चलना मुश्किल होता है और गलतियां इंसान से होती हैं। 100 झूठ बोल के शादी करना पुण्य होता है। अगर नसीब अच्छा होगा तो नींद से उठ के भी जॉब मिल जाएगा। इस जन्म में तेरा कुछ नहीं हो सकता, जब सच्चाई की राह पे चलेगा ना तभी तेरी जिंदगी अच्छी भी होगी, याद रखना इस बात को। कहना आसान होता है भाई पर करना मुश्किल होता है। इससे बहस करके कोई फायदा नहीं, चलो हम लोग चलते हैं। ठीक है ठीक है, शाम को जल्दी आ जाना। क्या काम है? आज शाम को इससे कुछ काम है, इंटरव्यू पे ध्यान दो, चलो। अरे जल्दी जाओ। अच्छा हुआ ये लोग यहाँ से चले गए, अब आराम से मैं सो सकता हूँ। इंटरव्यू में जाने का झूठ तो मैंने बोल दिया, अब अपना काम करता हूँ। अरे घड़ी भूल गया। उन दोनों से झूठ बोलने में हमेशा डर लगता है मुझे, लेकर आता हूँ। अरे उठ, तू अभी तक गया नहीं? वो सब तो तू छोड़, और ये बता तू सो क्यों गया? अरे फोन आया कि इंटरव्यू 2 घंटे के बाद होगा, हैं? रेस्ट करके ही जाऊंगा। तू सच कह रहा है ना? अरे हाँ भाई, इंटरव्यू में जवाब देने के लिए माइंड फ्रेश होना चाहिए ना। हाँ तेरी कसम सच कह रहा हूँ यार। ठीक है सो जा, बाय। रुक जा, अरे मैं और भाग नहीं सकती। थक गई। क्या हुआ है तुझे, जैसे भाग रही है? सुवर्णा, आज मेरी लाइफ में मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। सरप्राइज? और मुझे नहीं पता। हाँ, सरप्राइज है। क्या है वो? I'm in love. तुझे लव हुआ है क्या? Yes. तुझे इंस्पायर करने वाला हीरो कौन है? अगर मैं सच कहूँ तो वो रियल हीरो है। सच में? वैसे तुम्हारा लव टू साइड है या वन साइड? वन साइड ही है। वैसे उसमें ऐसा तो क्या देख लिया तूने? और वो दिखता कैसा है, मिली है या नहीं उससे? बताना यार। बताती हूँ, मैं सुबह शॉप में गई थी ना तब। सॉरी सर, यह आइटम अभी तक रेडी नहीं हुआ है। आज ही देने के लिए बोला था ना। वर्कर छुट्टी पर हैं, सीजन है ना सर, अभी कल ले लीजिएगा। ऑर्डर लेते समय सही डेट दीजिए, मुझे सही लगा तो दूंगा, नहीं तो किसी दूसरी शॉप पे जाऊंगा। रोज आने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ समझिए सर। जाने दे भाई, कल आ जाएंगे। तो रुक यार, पैसे लेते समय ये क्यों नहीं कहा कि कल देंगे? पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। कस्टमर ड्रॉप होगा इसीलिए मैंने ऐसा कहा था सर। तो झूठ बोला था? झूठ नहीं है सर, हम टाइम पे देने वाले हैं। हाँ? वो सब मैं नहीं जानता, तुम्हारी झूठ की वजह से मैं कितना डिस्टर्ब हो गया। सॉरी सर। सॉरी बोलने से काम हो जाता है क्या? किसी आदमी की गलती सुधर जाती है क्या? क्यों झूठ बोलकर पैसे कमाते हो? झूठ बोलने के बजाय अगर सच बोलोगे तो पैसे नहीं कमा पाओगे क्या? जो है वही बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा। कस्टमर आए या फिर ना आए, लेकिन हमेशा सच बोलिए। सच्चाई की राह पर चलिए प्लीज, तभी लोग भरोसा करेंगे आपके ऊपर। एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं पता है? और एक ना एक दिन वो झूठ एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ सकती है। बी केयरफुल। आपकी बात में सच्चाई है सर, मेरी समझ में आ गया, फिर से कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है चलो यहाँ से।
तू यहाँ? क्या भाई, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया। कहाँ गया था यार? मेरे पैसे लौटाने से बचने के लिए तो नहीं ना? चल चल, ऐसा कुछ नहीं है यार, कम से कम अब तो पैसे दे दे। अभी के भी चाहिए बोलोगे तो कहाँ से ला के दूंगा यार। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ऐसी बात नहीं है यार, थोड़ा टाइम दे, वापस कर दूंगा। कैसे तुम्हारे पैसे वापस करूं? हमेशा झूठ बोल के बच जाता है तू। मैं सच कहूं तो मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। एक और बकरा पकड़ लिया इसने। ए, तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो बोल दे कि नहीं है, और पैसे देने का मन नहीं है तो बोल दे कि नहीं दूंगा। लेकिन बहाने करके बार बार मुझे दौड़ा मत, समय खराब होता है, ऐसा करने से भरोसा भी टूटता है। ऐसा नहीं है भाई, परिस्थिति थोड़ी गड़बड़ है। तुम्हारी परिस्थिति गड़बड़ थी तभी तुमने पैसे मांगे थे और मैंने पैसे दिए थे। मेरे पास नहीं थे, फ्रेंड से लेकर दिया। अब तेरी वजह से मेरी फ्रेंडशिप टूट सकती है। हे, पैसे लेने से पहले अगर तू बता देता कि पैसे वापस नहीं कर सकता तब भी मैं तुझे देता, लेकिन हर बार झूठ बोल करके बचना बिल्कुल ठीक नहीं है। झूठ बोल कर निकल जाना अच्छी बात नहीं है, याद रखना, इसलिए आगे से सच बोलना। सॉरी यार। जाओ यार, तू मेरा फ्रेंड है ये कहने में शर्म आ रही है मुझे। ए, तू मुझे पैसे नहीं देगा तो भी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे बुरा ये लगता है कि तू बार बार अपनों से झूठ बोलता है। सब कुछ तो अच्छा ही है, लेकिन उससे मिलेगी कैसे, अपने प्यार का इजहार कैसे करेगी? ऐसे यही हमें मिलाएगा, इसमें उसका विजिटिंग कार्ड है और ऊपर उसका मोबाइल नंबर भी है। वैसे जॉब क्या करता है वो? भगत मोबाइल कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, देर किस बात की, फोन कर। कल का प्रोग्राम क्या है भाई? और क्या, आफ्टरनून में फ्री हूँ। हे, रिंग बज रही है, फोन उठा यार। हेलो। हेलो। यस भगत, हु इज दिस? माय नेम इज स्वप्ना। हाँ बोलिए। आपका पर्स गुम हो गया है क्या? यस yes. वो मुझे मिला है, आपको लौटाने का सोच रही थी। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, आप अपने पास ही रख लीजिए। थैंक यू। कट कर दिया यार। कौन था? मेरा पर्स किसी लड़की को मिला है, लौटाना चाहती है, स्वप्ना नाम है उसका। तुम मना क्यों कर दिया यार, पर्स में 2000 थे ना। क्या फायदा यार, पैसे वाला पर्स कोई लौटाता है भला? सब खाली लौटाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे ही मिला था। फिर से कॉल करना। फिर से कर रही है, पूछ उसमें पैसे है कि नहीं। हेलो। हेलो, फिर से आपने फोन क्यों किया, जरूरत नहीं है बोला था ना। उसमें बहुत सारे एड्रेसेस हैं, पैसे हैं। क्या कहा, पैसे हैं? कितने? अच्छा 2000 रुपए हैं। अच्छा, पैसों के साथ ही लौटेंगी ना। वैसे आप मेरे बारे में सोच क्या रहे हैं? अब तक तो कुछ नहीं सोचा, पर्स मिलने के बाद सोचूंगा। कहाँ मिलना है? हम कब मिल सकते हैं आप बताइए जल्दी। हमारे बीच ऐसा कोई संबंध तो है नहीं, कब मिल सकते हैं ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आप कहाँ हैं बताएंगी तो मैं खुद ही आके कलेक्ट कर लूंगा। कल सुबह 10 बजे पार्क में आ जाइए, वहाँ पे दे दूंगी। ओके ओके, बाय। खोए हुए पैसे वापस मिल रहे हैं यार, मतलब हम लोग अब फुल पार्टी करेंगे। जब तक हाथ में नहीं आ जाए कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या कहा उसने? आएगा कह रहा था, आने दे फिर उसे बताती हूँ। इतना समय हो गया अभी तक नहीं आई, अब और इंतजार नहीं कर सकता। आती होगी यार, तुझे हमेशा जल्दी रहती है। अरे तो क्या करो यार, बहुत सारे काम भी तो हैं। तूने तो मान लिया था पैसे नहीं मिलेंगे, अब तो हम उससे पार्टी करेंगे। ठीक है भाई, फ्री में आया ना इसीलिए, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये सब हमें सताया जा रहा है और कुछ नहीं। चलो हाय स्वप्ना। यस हाय, आई एम रवि। पर्स लेकर आई हैं तो लाइए। अब तक आपने वेट किया, और थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? पैसे सही हैं कि नहीं देख ले यार। आईडी 1 2 3 ठीक है।
आपका पर्स फिर से आपके पास आ गया। कम से कम छोटी सी पार्टी तो दे दीजिए ना। मैं तो तैयार हूँ, चलो बार में चलते हैं। मैं भी तैयार हूँ यार। छी, हम ऐसी जगह नहीं जाते, कहीं अच्छी जगह चलते हैं, बाद में देखते हैं। चलो भाई। कम से कम थैंक्स भी नहीं बोल सकते? थैंक्स तुम्हें नहीं, तुम्हारे फ्रेंड को बोल रही थी। बोल यार। थैंक्स। चल बाद में देखते हैं यार। फोन तो उठा यार। हेलो। हेलो। हाय, आई एम सीनू। तुझसे बात नहीं करनी है, अपने फ्रेंड को फोन दे। मिस्टर डेली। तेरे लिए है। हेलो। वन सेकेंड। हेलो। तुम क्यों फोन किया तुमने? ये क्या बात हुई? लोगों को सच कहने के लिए कहते हैं और आप खुद ही झूठ बोलते हैं, क्यों? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? पार्टी देने की बात भूल गए हैं क्या? दूंगा तो नहीं, देखूंगा कहा था। दोनों एक ही बात है, अब दे रहे हैं या नहीं? अभी? हाँ, कल दूंगा। अगर नहीं देंगे तो मैं समझूंगी कि आप हमेशा झूठ बोलते हैं। ठीक है, आपके लिए ना सही, अपने लिए तो पार्टी दूंगा ही। कल शाम में कॉफी शॉप में आपके लिए वेट करूंगी, ठीक है? ओके बाय। बाय। कल पार्टी देने के लिए कह रही है। तो दे देंगे यार, देखना कल पार्टी में उनको बहुत बड़ा शॉक दूंगा। उन्होंने जो शॉक दिया वो कम था क्या? ओ, पता चल गया क्या? ये क्या है? कुछ नहीं, ये दोनों डिग्री फाइनल ईयर में। तुम स्टडीज में थोड़ा वीक लगती हो। नहीं नहीं, ये कॉलेज में फर्स्ट है। और तुम लास्ट हो क्या? तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिला? इसकी बातें दिल पर मत लो। इसके बारे में नहीं, अपने बारे में बताइए। जरा अपना मोबाइल दिखाओ ना। क्यों? थैंक यू, आपके नंबर से भी वो कॉल नहीं उठा रहा है। नंबर सेव कर लिया ना? बिना वजह फोन करके तंग मत करना। वैसे ये थोड़ा ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा है। और कुछ चाहिए क्या? नहीं बस हुआ। ओके चलते हैं यार। इतनी जल्दी? कुछ बातें कीजिए ना। माफ कीजिए, आपने पार्टी मांगी मैंने दे दी, बाय। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। आप ही बैठिएगा, आपसे बात करनी है मुझे। चल जा। भाई रुको, मैं भी आ रहा हूँ। चलो बाय। काफी मुश्किल लग रहा है, ऐसे आदमी करोड़ों में एक होते हैं, कैसे मैनेज करेगी पता नहीं, मुझे तो समझ भी नहीं आता। यहाँ आए मुझे बहुत समय हो गया, आपने कहा था कुछ कहना है, जल्दी कहो मुझे जाना है। आई लव यू। अब उससे नहीं होगा। Are you joking? मैं सीरियसली बोल रही हूँ। I love you. मेरे बारे में तुम क्या जानती हो मैं नहीं जानता। एक ही दिन की मुलाकात में तुम प्रेम करने लगी, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। वैसे मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। प्यार करना, मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता है। लाइफ में पहली बार। वैसे अपने बारे में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे, तुम किसी और को ढूंढ सकती हो। इस जन्म में मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। मेरे बारे में सोचकर अपना करियर खराब मत करो तुम। मैं क्यों कह रहा हूं इसको समझने की कोशिश करो। प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, गुड बाय। भगत। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, उसके बारे में सोचकर ही मुझे हंसी आ रही है। उसने मुझमें ऐसा क्या देख लिया कि मुझसे प्यार करने लगी? ए, तू जो कह रहा है बिल्कुल सही है, अगर वो समझ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। ये बात तू कर रहा है? हाँ यार, हम हर चीज आसानी से ले लेते हैं, पर लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। तुम लोग कुछ भी कहो, कभी भी स्ट्रेट रहेंगे तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये हम नहीं कह रहे हैं यार। बात करने का हमारा ये टॉपिक है ही नहीं भाई,
तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ? क्या पता यार, अब तक अपॉइंटमेंट लेटर आ जाना चाहिए था। फोन करके पता करना, हमारे लिए हमारा करियर इंपॉर्टेंट है, समझे? ठीक है यार, अभी फोन करके पता करता हूँ। कितनी बार बोलूं बे, इंटरव्यू में हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। तुम नहीं बदलने वाले, इस जन्म में तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। वो बात नहीं है, एक छोटा सा झूठ बोलकर मैंने जॉब करने का सोचा। तुम लोगों को अगर मैं बोझ लग रहा हूँ तो फिर रूम खाली कर देता हूँ। तुमने दोबारा ऐसी बात बोली तो मार डालूंगा, मुझे इतना ही समझ पाया है क्या? सॉरी भाई। तुम लोगों के अलावा मेरे इस दुनिया में और कौन है यार? सपना आ रही है यार। हाय। 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 भाई इधर आओ सर। बोलिए सर। चार कोल्ड ड्रिंक्स। ओके सर। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? लीजिए। घटकिए। What's the deal? सपना, क्या हुआ? तुम सॉरी कहने के लिए आई हो क्या? Yes, I'm extremely sorry. It's okay. हर इंसान गलती करता है, कम से कम इतना तो समझ गई तुम। थैंक्स। कूल कूल कूल, हम सब फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। मैं तो नहीं रहूंगी। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सपना, कल तक तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला तो मेरी लाश देखोगे। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? जो कुछ भी कहना है आई लव यू कहने के बाद ही कहना। मेरा प्यार चाहिए या मौत चाहिए ये तुम ही डिसाइड करो। बाय। चलो रुक। अरे रुकना, कोल्ड ड्रिंक खत्म नहीं हुआ। हे, मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया है, कल ही जाकर जॉब ज्वाइन करना है। हे, कांग्रेट्स। थैंक यू यार। वो सब तो ठीक है, पर तू इतना खुश मत हो, ये अपॉइंटमेंट लेटर मेरा भी हो सकता है, ठीक से देख। लेकिन तूने अप्लाई कहाँ किया था? ऑफ कोर्स, पर मेरा कोई दोस्त भी अप्लाई कर सकता है। हे, चुप रहेगा जरा। तो क्या करूँ मैं, नाकारा लोगों को जॉब मिल रहा है, आखिर मुझे कब मिलेगा? तुझे कोई भी जॉब नहीं दे पाएगा। हे, तू जाके कपड़े पैक कर, शाम की बस से निकल जा। उसका इतना सीन नहीं है यार, वो जो कपड़े पहनता है वो सारे कपड़े तेरे हैं, अंडरवियर भी तेरा ही है। तो तेरे पास क्या बहुत सारे कपड़े हैं? यहाँ तक कि एक ही अंडरवियर है, वो भी आधी फटी हुई। जा रे। ए, अभी चुप रहो, मैं जाकर इसके लिए बस का टिकट बुक करके लाता हूँ, ठीक है? जल्दी आना बे। ओके ओके। Thank you.
ए सीनू, क्या हुआ यार, ये जख्म कैसा, कुछ बताना यार। तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, चल मेरे साथ। क्या हुआ यार, उसे छोड़ के क्यों चला आया, बोल यार। तुम्हारे जाने के नेक्स्ट डे ही हेलो भगत, मैं सुवर्णा बोल रही हूँ। हाँ सुवर्णा बोलो। स्वप्ना मॉर्निंग से मिल नहीं रही है, उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे हैं। तुमने उसे देखा क्या? नहीं तो कुछ पता नहीं, जब से तुमने उसका लव रिजेक्ट किया है वो बहुत अपसेट थी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढते हैं। उसने जो कहा है कहीं वो सच ना हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुरंत आ रहा हूँ। क्या हुआ यार? स्वप्ना कहीं चली गई है यार। क्या कहा तूने? स्वप्ना को कुछ बोला था क्या यार, उसे कुछ हो ना जाए। क्या बात कर रहा है यार, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, जाकर उसे ढूंढते चलो। स्वप्ना रुको। आई लव यू स्वप्ना, आई एम वेरी सॉरी। हमारे बारे में घर पर पता चल गया है। तो इसमें फिकर करने की क्या बात है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मार डालेंगे क्या? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन मेरे पापा मेरी शादी जल्दी करवाना चाहते हैं। तुम जल्दी से आकर मेरे पापा से बात कर लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो स्वप्ना, हमने प्यार किया है, शादी भी करने का फैसला किया है, किसी से डरने की जरूरत नहीं। हमारा प्यार अगर सच्चा है तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हेलो, हाँ आई एम ऑन द वे, आ रहा हूँ। मैं वापस कॉल करता हूँ। ए, मेरे बारे में तुझे पता नहीं है, मेरी बेटी को भगा करके उससे शादी करने की सोच रहा है, मार डालूंगा। सर थोड़ा रेस्पेक्ट देकर बात कीजिए। दोबारा इधर दिखाई मत देना।
भाई तू आज ऑफिस क्यों नहीं गया? मेरा मूड ठीक नहीं है यार। क्या बात है यार? कुछ नहीं यार। कहीं तू सपना को लेकर परेशान तो नहीं है ना? देख, आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर ऐसा बोलेगा ना तो ये बड़े लोग ना प्यार को समझते नहीं है। इश्क में ये सब होता है यार, जब परेशानियां बढ़ती हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तू उसे घर से भगा ले यार। हे, गलत है यार, ऐसी बात मत कर। देख, सच तो ये है कि तेरे से अच्छा लड़का उन्हें ढूंढने से भी ना मिलेगा नहीं। तू जरा भी उदास मत हो यार। किसी भी चीज के लिए नसीब चाहिए भाई। तू टेंशन मत ले, तेरी शादी मैं करवाऊंगा, देखता हूँ बीच में कौन आता है। हे, अपनी अच्छाई निकाल कर एक तरफ रख दूं तो 100 करोड़ लोगों को अकेले संभाल सकता हूँ, पर ये सही बात नहीं है। प्यार का मतलब दो लोगों का ही मिलना नहीं होता, हमें प्यार करने वाले भी हमारे साथ होने चाहिए, और मुझे ऐसा ही प्यार चाहिए। मेरे बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग अपनी पढ़ाई करो, जाओ यहां से। हर कोई एक तरह का नहीं होता, हर किसी की सोच एक नहीं होती, फिर भी समाज चलता रहता है, सोचेंगे बाद में। अभी जो निर्णय लिया है हो सकता है बाद में बदल भी जाए। उन्होंने गुस्से में आकर ऐसा कहा होगा, आराम से सोचेंगे तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा। उन्होंने गलत किया है, समझ में आ जाएगी तो मेरे पास ही आएंगे। क्या पता यार, ये बड़े लोग एक बार निर्णय लेने के बाद ना दोबारा उस पर सोचते नहीं है। जब तक उनका निर्णय गलत नहीं होगा वो इसी भ्रम में जीते रहेंगे। भगत, अब मैं उस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। हम ना मिल पाए यही वो चाहते हैं। हम कहीं भाग चलते हैं भगत, प्लीज। हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ समझो। कहाँ चलेंगे? हम तक कोई पहुँच ना पाए, इन सबसे बहुत दूर चले जाते हैं। भाग चलें क्या? तो चलो। हाँ। देखो सपना, हमें प्यार के लिए भागने की जरूरत नहीं है, हम सबको मना कर यही शादी करेंगे। देखो, तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ रहती हूँ तो बहुत खुश रहती हूँ, दुनिया को भूल जाती हूँ, लेकिन घर जाते ही डर सा लगता है, जल्दी तुम्हारे पास आने का मन करता है, एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अच्छा मान लो मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर हो गया तो? प्लीज, ऐसा जब ख्याल आता है तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। ये ख्याल प्यार करने से पहले भी होना चाहिए। हम बड़ों को मना कर ही शादी करेंगे, वो जब तक नहीं मानेंगे मैं उन्हें मनाऊंगा। ठीक है भगत, तुम कुछ ना कुछ सोच कर डिसाइड कर लो। मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम खुश रहो, वही मेरे लिए सब कुछ है। सोच रहा है आखिर तू, और कितना वेट करेगा? सपना की शादी फिक्स हो गई है, अगर एक साल और वेट करेगा ना तो सपना मां बनकर अपने बच्चे को लेकर आएगी, बात क्यों नहीं करता उससे? देखो, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता। तो फिर तू कहना चाहता है कि मैं उसके साथ भाग जाऊं? तुझे अगर वो लोग नहीं समझ रहे हैं तो फिर यही ठीक है। ये गलत होगा, मैं खुद दूसरों को सलाह देता हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी जान जाने तक सच्चाई से कभी नहीं हटूंगा, मुझे भरोसा है मैं ही जीतूंगा। समझने की कोशिश कर, तेरी अच्छाई किसी को नहीं चाहिए। अब चाहे जो भी हो, ठीक है, मेरा समय हो गया, मैं जाकर आता हूं, बाय। अगर तुमने जल्द से जल्द कुछ डिसाइड नहीं किया तो ये हमारा आखिरी मिलना होगा भगत। हाँ, कल ही मेरी शादी है।
किसी भी तरह इस शादी को रोको, कुछ ना कुछ करो। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं, तुम्हारे लिए वो शादी ही करेक्ट होगी। हाँ, तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी, बोला था ना, याद है? हम जिस प्यार के लिए भागना चाहते हैं उस प्यार की इज्जत से कहीं ज्यादा एक पिता को अपनी बेटी की इज्जत प्यारी होती है, एक पिता की इज्जत कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर मेरे प्यार की इज्जत नहीं है तो फिर मुझे ऐसे प्यार की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्यार को ऐसे बदनाम नहीं कर सकता। तुम्हारे माता पिता के खिलाफ शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें हमारे प्यार के बारे में सोचना चाहिए, हमारी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने हमारे प्यार को महत्व नहीं दिया, हो सकता है हमसे ही गलती हो गई हो। इस समय हम अपने प्यार के लिए मरने तक के लिए तैयार हैं, लेकिन मर जाना सच्चे प्यार की निशानी नहीं है। दरअसल प्यार कभी मरता नहीं है, सच्चे प्यार की कभी मौत नहीं होती, हम मर जाएं या जुदा हो जाएं, लेकिन हमारा प्यार एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, तुम वही करो जो तुम्हारे माता पिता चाहते हैं, शादी से मैं सबकी खुशी है, सिर्फ प्यार के भरोसे नहीं जिया जा सकता। क्या तुम जी पाओगे? नहीं जी पाऊंगा मैं, प्लीज नहीं, तुम्हारे बिना जिंदगी नरक है। ऐसे आंसू मत बहाओ, तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, ये बात कभी मत भूलना तुम। तुम शादी करके खुश रहो, मुझे भी खुशी होगी। इस सृष्टि में बहुत महान प्रेमी हैं, उन्हीं में से हम भी एक हैं। सारे प्रेमी हमारी तरह ही सोचते हैं, प्रेमी गलती कर रहे हैं लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन हमारे मामले में माता पिता ने गलती कर दी, लोगों को ऐसा सोचना चाहिए। हर प्रेम कहानी में माता पिता ही रुकावट बनते हैं, हम दूसरे प्रेमियों के लिए एक आदर्श बनना चाहते हैं। हेलो रवि, रवि यहाँ पर तुम्हारी माँ मर गई है, अर्जेंटली निकलो वहां से प्लीज। और क्या होगा, शादी होने के बाद बच्चे होंगे, किसी भी तरह उससे मिलना ही होगा। यार ये तो पागल लगता है, इससे क्यों पूछ रहा है? तुझे क्या पता बे, ऐसे लोगों को ही पता होता है ये सब। भाई भाई ये एड्रेस पता है क्या भाई? हेलो भाई, ए भाई, ए भाई, भाई, अरे तुझसे ही पूछ रहे हैं। ए भाई, भाई, अरे एड्रेस पूछो भाई, यार लिख रख ली। मेरी बात नहीं माना था ना? ए भाई मुझे क्या पता था कि ये पागल है। भाई आज अगर मैं बच गया ना जिंदा तो मैं इस एरिया में कभी वापस नहीं आऊंगा। ये एड्रेस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए यार, चल रहे चलते हैं यहाँ से भाई। लेकिन यहाँ से भागेंगे कैसे यार? अच्छा है, बहुत अच्छा है, हिला तो मार डालूंगा। हे भाई इसकी बातों से लग रहा है कि हम लोग यहाँ से जा नहीं पाएंगे, सीधा ऊपर ही जाएंगे भाई। कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा यार। मुझसे पंगा मत लेना। हम लोग खत्म हो जाएंगे भाई।
मुझे पालने वाले चर्च के फादर जब मरे थे तो मुझे लगा था कि मैं भी मर जाऊं। मेरा प्यार सपना जब मुझसे दूर हुई तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, इतनी ज्यादा तकलीफ जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सही थी। उसे हम जल्दी मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। अब पेशेंट की कंडीशन क्या है सर? उसको जो हुआ है वो एक विचित्र मानसिक परिस्थिति है। ऐसी स्थिति को हम कहेंगे न्यू टाइप ऑफ हिस्टीरिया कह सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंसान जब एक ही बार में दो तरीके से सोच सकता है ना, तो ऐसा होता है। दो तरीके से मतलब? इंसान जब सह नहीं पाता है, कोई ऐसी घटना होती है तो सर पे चोट लगती है, तब जाकर ऐसी घटना अच्छा, होती है। ये पेशेंट ठीक नहीं होगा ये बोलना चाहते हैं आप? बहुत मुश्किल है, मेरी सर्विस में ऐसा पेशेंट मेरे सामने फर्स्ट टाइम आया है। अच्छा। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल गया तो पता चला भगत भाग गया है। उसका एड्रेस पता करके सोचा उसके घर वालों को उसके बारे में सब कुछ बता दूं, लेकिन जब पता चला कि भगत का कोई नहीं है तो मुझे बहुत दुख हुआ यार। उस परिस्थिति में अगर हम उसके साथ होते तो शायद ऐसा नहीं होता। उसकी जिंदगी हमने बर्बाद कर दिया। दुख हो रहा है ना, पहले हमें भगत को आम इंसानों जैसा बनाना होगा। सही कहा, अब हम लोग बिना देरी किए उसे ढूंढ कर उसका इलाज करवाते हैं। बच गई, ढूंढो उसको। चलो सब जाओ, चलो चलो उसे, बच के जाने ना पाओ। चलो ढूंढो उसे, ढूंढो, ढूंढो। देख देख उधर, देख उस तरफ जाओ। कहाँ गई? यहीं गई होगी। इधर नहीं, अरे उधर देख, उधर देख। कहाँ गई? मैं इधर देख लो। मुझे अकेला छोड़ के खेलोगे क्या? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कहा छोड़ना बात इसे, बचेगी।
तो मुझे पसंद नहीं आया इसलिए तुझे खेल से निकाल रहा हूँ। निकाल दिया तुझे। रुक रुक, छोड़ूंगा नहीं, आ रहा हूँ। इसमें बहुत धार है। मर गया या जिंदा है? भगत, मैं पक्षी हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। इन सब का कारण कौन है बोलो? मैं अभी पक्षी हूँ, यहाँ से दूर उड़ रहा हूँ। कान के पर्दे फटने तक चिल्लाएंगे तो भी वो नहीं आएगा। तुम्हें पता है क्यों? उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, और इन सब का कारण हम सब हैं। हमारी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। वो आज पागल बन के रोड पे घूम रहा है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसने क्या गलती की है? उसको क्यों ये सजा मिली? इसका कारण कौन है? आखिर इसका जवाब कौन देगा? अपने माता पिता के लिए उसने अपने प्यार को मार डाला। तेरे माता पिता के प्यार ने तुझे बचाया क्या? नहीं ना, अभी भी तुम्हारा प्यार ही तुम्हें बचाएगा। प्यार कितना महान है ये अभी तुम्हें पता चलेगा, और हम इसके गवाह हैं। हमारा भगत वापस चाहिए, मुझे वापस चाहिए। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने जो किया वो गलत, प्यार करके शादी नहीं किया वो गलत है क्या? तो फिर मैंने गलती की है, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। तो फिर अब क्या? भगत के बारे में पता करने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ है।
ऐसा दुख किसी को नहीं मिलना चाहिए। उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। उसका साधारण इंसान बनना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मेरे पास जो तजुर्बा है मैं उसी हिसाब से कह रहा हूँ। इसकी हालत को देख के बहुत दुख हो रहा है। उसकी ये परिस्थिति बचपन से ही है, पर घटना होने के कारण ही ये परिस्थिति बदतर होती गई। बचपन से ही माता पिता का साथ ना होना ही पहला शौक मिला। बड़ा करने वाले चर्च के फादर मरने से उसको दूसरा शौक लगा, और तीसरा मित्रों से दूर हो जाने का, और आखिर में सपना से दूर होना। प्लीज सर, आप उसे किसी भी तरह ठीक कर दीजिए। हाँ सर, हमें भगत वापस चाहिए, चाहे जितना भी खर्च हो हम करेंगे। देखिए, सपना का थोड़ा साधारण इंसान बनने का चांस देख रहा है। अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा, आगे भगवान की इच्छा जो मंजूर हो उन्हें। Friends?